हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RPSC गैंग। आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाया गया है, तो आज हम जो है राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान में जो प्रमुख कर और भू राजस्व की पद्धतियाँ थी उनके बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ जो प्रमुख थी, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वही पढ़ेंगे हम लोग। और इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार जो है कर लगाए गए थे, और लाग बाग और कर जो है वो किस किस प्रकार के थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो है हासल। हासल जो है ये एक प्रकार का भूमि कर था, और इसमें जो है अन्य कर भी मिल जाते थे, तो ये मिलकर जो है वो हासल के नाम से जाना जाता था। कांकड़ कूट पद्धति जो है वो खड़ी फसल पर उत्पादन का अनुमान लगाकर राजस्व का निर्धारण किया जाता था। यानी जब खेत में जब फसल उग जाती थी, उसके बाद जो है जागीरदार के जो लोग होते थे वो आते थे और फसल को देख के जो है उसका अनुमान लगा देते थे कि इतनी फसल होगी और इतनी फसल पे इतना तुम्हें राजस्व देना है। चाहे फसल उतनी हो या नहीं हो, राजस्व उतना ही देना पड़ता था जितना निर्धारण किया जा चुका होता था। पट्टा रेख जो है वो अनुमानित राजस्व है, उसे पट्टा रेख कहा जाता था। और लाटा पद्धति जो है उसमें फसल के ढेर के आधार पर निर्धारण किया जाता था कि कितना राजस्व देना है। यानी जब फसल से दाने निकाल लिए जाते थे और उनके ढेर को देख के अनुमान लगाया जाता था कि कितना जो है राजस्व देना होगा। मुकाता पद्धति जो है ये एक प्रकार की अनुबंध व्यवस्था है, जिसमें गांव का जो चौधरी जो मुखिया है उसके साथ अनुबंध किया जाता था कि वो गांव से जो है टैक्स वसूल के और जागीरदार को जमा करवाएगा। अगला है, और इस टैक्स के जो भूमि कर जो है उसकी अन्य पद्धतियां हैं डोरी, हलगत और बिगेड़ी। बिगेड़ी जो है प्रति बीघा के हिसाब से जो है ली जाती थी, इसलिए इसका नाम बिगेड़ी है। फिर गृह कर जो है जयपुर का है, घर की बिछौती, तो जिसमें बिछौती आएगा पीछे वो जयपुर से ही रिलेटेड होगा। अब जो नेक्स्ट हम टेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद में, उसमें भी बिछौती जो शब्द है वो जयपुर के साथ ही है, तो इसे याद करने में आसानी रहेगी। मारवाड़ जो है घर किंती की वाड़ लगता था, गृह कर वाड़ से ये वाड़, तो मारवाड़ में घर गिनती की वाड़, मेवाड़ में घर बराड़, राड़ जो है उसे लड़ाई कहते हैं, और लड़ाई जो है मेवाड़ मेवाड़ की प्रसिद्ध मेवाड़ में बहुत हुई है, तो मेवाड़ से घर बराड़ जो है याद रखने में आसानी रहेगी। बीकानेर जो है उसमें धुआं बाज। अगला है लकड़ी पर जो है कर लगता था, जयपुर में लगता था दरकत की बिछौती, मारवाड़ में कबाड़ा बाप, मेवाड़ में खड़ लाकड़, बीकानेर में काठ। जल कर जो है, जल कर उसमें आबियाणा जो है सिंचाई पर कर लगता था, यानी सिंचाई के लिए जो पानी लिया जाता था उस पर भी कर लगता था, उसे आबियाणा कहते थे। और पेयजल पर जो कर लगता था, जो पीने के पानी पर जो कर लगता था, उसे खड़ सीसर के नाम से जाना जाता था। जमी चौथ जो है भूमि के क्रय विक्रय का पर जो कर लगता था, यानी भूमि खरीद फरोख पर जो कर लगता था, उसे जमी चौथ के नाम से जाना जाता था। बिगौड़ी जो है एक प्रकार का भूमि कर था। और अखराई जो है जमा राशि की रसीद प्राप्ति हेतु दी जाने वाली राशि जो है वो अखराई कहलाती थी। यानी इसको याद ऐसे कर सकते हैं कि हमने टैक्स दे दिया और अब हमें उसकी रसीद चाहिए, और उस रसीद के लिए भी हमें पैसे देने होंगे, तो ये बात जो है हमें बहुत अखरेगी, तो इसे अखराई जो है जमा राशि की रसीद प्राप्त करने हेतु जो राशि दी जाती थी उसे अखराई के नाम से जाना जाता था। जावा माल जो है पशुओं के क्रय विक्रय पर दी जाने वाली राशि जो है वो जावा माल के नाम से जानी जाती थी। इसे सिंगोटा, रूपोटा या खूंटा फिराई भी कहा जाता है, तो इसे हम ऐसे याद करेंगे, जा फिर से रूप सिंगार करके आ। फिर एक खूंटी बंदी जो है फिर एक खूंटा बंदी जो ऊंट सिर्फ और सिर्फ ऊंट के क्रय विक्रय पर जो राशि ली जाती थी उसे खूंटा बंदी के नाम से जाना जाता था। तो जावा माल जो है किसी भी पशु, जो भी पशु थे उनके क्रय विक्रय पर ली जाती थी, और खूंटा बंदी सिर्फ और सिर्फ ऊंट के क्रय विक्रय पर ली जाने वाली राशि थी। घास भरी जो है बड़े पशुओं की चराई पर जो कर लगता था उसे घास भरी के नाम से जाना जाता था, और पान चराई जो है छोटे पशुओं की चराई पर कर था। ऐसे याद रखेंगे, घास के मैदान बड़े होते हैं और वहाँ पे बड़े पशु जो है वो चढ़ने जाएंगे तो उनके लिए टैक्स लगेगा, और पान जो है छोटा होता है, पत्ता होता है पान का, तो छोटे पशु जो है पान चराई करने जाएंगे। और हल लाग जो है भूमि जोतने से पूर्व दी जाने वाली राशि जो है उसे हल लाग कहा जाता था। फिर कमठा लाग
कमठा जो है वो किसी भी निर्माण का जब कार्य होता है तो उसे कमठा कहा जाता है, तो उसे ये याद रखने में आसानी रहेगी कि दुर्ग निर्माण हेतु ली जाने वाली राशि जो है वो कमठा लाग कहलाती थी। तलवार बनाई जो है इसे उत्तराधिकारी शुल्क भी कहा जाता था और ये बिजौलिया में लगाई गई थी ठाकुर कृष्ण सिंह के द्वारा। फिर है चंवरी या नौत न्योत कर, ये भी जो है बिजौलिया में ही लगाया गया था, विवाह का था ये एक प्रकार का, और इसमें प्रति विवाह जो है 5 रुपये देने होते थे जो कि बहुत ज़्यादा थे उस समय के लिए। फिर नाता कर जो है पुनर्विवाह करने पर भी जो है टैक्स देना पड़ता था, उसे नाता कर कहा जाता है। खोला कर जो है ऐसे व्यक्तियों पर लगता था जिनके संतानें नहीं हैं और वो किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, यानी जब वो किसी बच्चे को गोद लेंगे तो उसके लिए भी जो है उनको टैक्स देना पड़ेगा, उसे खोला कर के नाम से जाना जाता है। पावणा पावरा जो है वो ठाकुर के घर में अगर कोई अतिथि आया हो तो उसके आतिथ्य सत्कार के लिए जो राशि दी जाती थी गांव वालों के द्वारा उसे पावणा पावरा कहा जाता है। कांसा परोसा मांगलिक अवसर पर भोजन हेतु ठाकुर को दी जाने वाली राशि, यानी कोई मांगलिक अवसर है गांव में तो ठाकुर के भोजन के लिए जो राशि दी जाती थी उसे कांसा परोसा के नाम से जाना जाता है। तो अब तक जो है हासिल और मुकाता पद्धति, कमठा लाग और चंवरी या न्यौत पे जो है क्वेश्चन आ चुका है, और ज्ञाता कर भी जो है इम्पॉर्टेंट है। फिर है खिचड़ी लाग, खिचड़ी लाग जो है खिचड़ी लाग जो है ठाकुर के अस्थायी निवास के निकटतम गांव द्वारा भोजन हेतु दी जाने वाली राशि होती थी, यानी ठाकुर जब अपने सैनिकों के साथ जाता था तो जब वो शाम को अपना पड़ाव डालता था तो जिस भी गांव के पास में वो अपना पड़ाव डालता था या जो उसके पड़ाव के जो पास वाला गांव होता था तो वहाँ के लोग जो है उनको उनकी भोजन की व्यवस्था करने के लिए पैसे देते थे, राशि देते थे, तो उसे खिचड़ी लाग कहते थे। अब ठाकुर गया है तो उसके साथ उसके घोड़े भी जाएंगे, पैदल तो जाएंगे नहीं वो लोग, तो उनके घोड़ों के जो है भोजन के लिए मोट उपलब्ध करवाया जाता था गाँव वालों के द्वारा, उसे कौड़ी लाग के नाम से जाना जाता है। फिर चूड़ा लाग जो है वो ठाकुराइन जब नया चूड़ा पहनती थी तो उसके लिए जो राशि वसूली जाती थी उसे चूड़ा लाग के नाम से जानते हैं। राम राम लाग या मुजरा लाग जो है प्रति घर 1 रुपये वसूला जाता था, जब कोई त्यौहार वगैरह होते थे तब जब लोग ठाकुर से मिलने जाते थे तो 1 रुपया जो है वहाँ जमा करा के आते थे, तो इसे जो है मुजरा लाग या राम राम लाग के नाम से जाना जाता है। खेड़कर जो है मारवाड़ क्षेत्र में सैन्य खर्च हेतु ली जाने वाली जो राशि है उसे खेड़कर के नाम से जाना जाता था। फिर एक खरड़ा लाग जो है श्रमजीवी जातियों से ली जाने वाली राशि जो है उसे खरड़ा लाग के नाम से जाना जाता है। नामो जो है भूमि अपने नाम जुड़वाने हेतु दी जाने वाली राशि जो है नामों के नाम से जानी जाती है, और ये अब भी ली जाती है जब रजिस्ट्री जो होती है तो अपने नाम जब अगर भूमि करवानी हो तो उसके लिए नामो राशि नामो नाम का जो कर दिया जाता था। गनीम बराड़ जो है वो मारवाड़ क्षेत्र में लिया जाने वाला युद्ध कर था, बराड़ मारवाड़ और युद्ध क्षेत्र युद्ध के जो युद्ध कर है ये गनीम बराड़। खांदी जो है रेगर जाति से लिया जाने वाली राशि जो है उसे खांदी के नाम से जाना जाता। हित भराई जो है मालियों से लिया जाने वाला कर था, माली जो भी अपने उगा उनके सब्जियां वगैरह जो भी वो बेचते थे तो उस पर टैक्स लगता था और उसे हित भराई के नाम से जाना जाता था, तो ये मालियों से लिया जाता था। और मालणियों से लिया जाने वाला कर जो है उसे इंच के नाम से जाना जाता था, तो मालणियों से भी कर लिया जाता था उसका नाम था इंच। फिर कीणा जो है वो वस्तु विनिमय पर लिया जाने वाला कर था, यानी वस्तुओं का जो है आदान प्रदान करने पर जो टैक्स लगता था उसे कीणा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट जो है वो है दाण, ये जैसलमेर रियासत में दाण जो है जैसलमेर में आयात निर्यात कर था दाण, और ये इम्पॉर्टेंट है। कीणा कर भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ज़कात जो है वो जयपुर और जोधपुर रियासत में आयात निर्यात का कर था, तो ज़कात जयपुर जोधपुर, दाण जो है जैसलमेर में, सायर जो है बीकानेर रियासत में आयात निर्यात पर कर जो लगता था उसे सायर के नाम से जाना जाता था। किरायत लोगारी भाच, ये जो व्यवसायिक जातियां थी उन पर जो कर लगता था उन पर जो टैक्स लगाया जाता था
उसे किरायत लोकारी भाज के नाम से जाना जाता था। छटूंत भी इम्पॉर्टेंट है। छटूंत जो है उत्पादन का छठा भाग जो है राजा को दिया जाता था, इसे छटूंत के नाम से जाना जाता है। और हबूब जो है एक प्रकार का टैक्स था, जब राजकोष में घाटा हो जाता था तो उसकी पूर्ति हेतु ली जाने वाली राशि जो थी उसे हबूब के नाम से जाना जाता है। ये जो है हमारे टैक्स और जो लाग बाग और कर जो है वो पूरे हो गए। लाग बाग जो है उनमें और कर में ये डिफरेंस है कि लाग बाग जो है वो कभी भी लगाई जाती थी और उनकी राशि जो है वो तय नहीं होती थी, और कर जो है उनकी राशि तय होती थी और वो एक निश्चित समय ही लगते थे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान में जो आदिवासी आंदोलन उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।